रुधिरा प्लुत मेवच दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय। चतुर्थ दुर्गा है कुष्मांडा माता, कुम्हड़ी की बलीन को भाता। नवरात्रि में चौथे दिन आती, भक्तों पर अपनी दया दिखाती। कु का अर्थ होता है छोटा, कुष्म का अर्थ अनंत ऊर्जा। अंडा अर्थात ब्रह्मांडी गोला, सनातन की प्रतीक है दुर्गा। कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः, कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः। धार्मिक मान्यता के अनुसार छाया था जब घोर अंधकार, तब कुष्मांडा की मंद मुस्कान किया है समग्र सृष्टि निर्माण। आदि शक्ति माँ आदि स्वरूपा करते चौथे दिन इनकी पूजा। सिंह की माँ करती है सवारी, माँ की छवि है अत्यंत प्यारी। कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः, कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः। भक्तों, देवी दुर्गा के नौ रूप में से माँ कुष्मांडा चौथा स्वरूप है। कु का अर्थ है छोटा, कुष्म का अर्थ है ऊर्जा, और अंडा ब्रह्मांडीय गोला का प्रतीक है। सत्य सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब देवी माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया, और तभी से उन्हें कुष्मांडा कहा गया। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। इन्हें ही सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। भक्तों, माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा के संबंध में यह भी कहा जाता है कि इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना गया है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कुष्मांडा की जय। सूर्य मंडल के है भीतर वास, असीम शक्ति है माँ के पास। सूर्य की कांति माँ पर छाई, कुष्मांडा तब माँ कहलाई। दसों दिशा है इनसे अलोकित, सभी प्राण में माँ है उपस्थित। जीवन ऊर्जा करती है प्रदान, माँ की महिमा सबसे महान। कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः, कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः। चहुर था अंधकार छाया, तब एक ऊर्जा नजर है आया। ऊर्जा बन गया है एक नारी, जिससे उत्पन्न सृष्टि सारी। त्रिदेवी भी इनसे ही आई, शारदा लक्ष्मी काली कहाई। महादेवियों की है ये महतारी, जिनसे चलती है दुनिया सारी। कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः, कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः। भक्तों, माँ कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदिप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। सूर्य देव को दिशा और ऊर्जा माँ कुष्मांडा ही प्रदान करती है। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ, और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले तीन देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के पांच सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया, और नारी का एक सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कुष्मांडा की जय। महा
महाकाली से नारी नर आए, शिव व सरस्वती वो कहलाए। महालक्ष्मी से भी दोनों आए, ब्रह्मा व लक्ष्मी नाम वो पाए। महासरस्वती से आए नारीन, कहलाए शक्ति विष्णु चक्रधर। त्रिदेव को तीनों ने अपनाया, त्रिदेवी बनी है उनकी छाया। जी करते हैं संहार, तीनों से चलता यह संसार। जो जपते कुष्मांडा नाम, बनते हैं उनके सारे काम। जो भी इस स्वरूप को ध्याते, माँ की कृपा को वो जन पाते। शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के चार हाथ और चार सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का एक सिर और चार हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया और महिला का एक सिर और चार हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। भक्तों, इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। भक्तों, अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माँ कुष्मांडा की जय। जल्दी होते कुष्मांडा प्रसन्न, भक्त जन रहते हैं सदा संपन्न। व्याधि का माँ करती है नाश, कष्ट मुक्त रहते हैं इनके दास। कुष्मांडा समृद्धि की है दात्र, पूजित होती महानिशा रात्रि। बुध ग्रह से है माता का नाता, पूजन इनका बुध को बनाता। जो माता को चढ़ाए, वो नर उन्नति का मार्ग बनाए। फूल चमेली माता को भाए, हम कुष्मांडा का गुण गाए। कोमल हृदय वाली है माता, कोई दर से खाली ना जाता। अल्प भक्त से होते प्रसन्न, सच्चे मन से करे हम पूजन। कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः माता कुष्मांडा की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। भक्तों, माँ कुष्मांडा की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से हरी इलायची देवी माँ को अर्पित करें। उसके बाद उस हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगली नवरात्र तक अपने पास रखें। इससे आपको लाभ होगा। चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। आदि शक्ति माँ कुष्मांडा बेहद कोमल हृदय वाली हैं। माँ कुष्मांडा भक्त द्वारा की गई अल्प भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो
तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माँ कुष्मांडा की जय। कुष्मांडा सदा देती है शुभ फल, भक्ति से मिलता आयु यश बल, परम पद की होती है प्राप्ति, जो पूज्य माँ की चतुर्थ शक्ति, जो भी इनके शरण में आता वह नर या योग्य का वर पाता, माँ करती है भव सागर पार, इनसे ही ज्योतिर्मय संसार। जीवन उसका सुगम हो जाता, जो श्री चरणों में शीश नवाता, इनसे मिलती पलौकिक शक्ति, देवगण भी करते इनकी भक्ति, माता से हम अभय वर पाए, कुष्मांडा चरण में ध्यान लगाए। कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः, कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु यश बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माँ कुष्मांडा की जय। माँ कुष्मांडा है अष्ट भुजाधारी, तेज से तेजो मय सृष्टि सारी, हाथ में शोभे धनुष और बाण, सर्वनिधि माँ करती प्रदान, करती चक्र गदा को भी धारण, कमंडल करता कष्ट निवारण, एक हाथ में जप की माला, दूजे हाथ कमल फूल डाला। कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः, कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः। मालपुआ है माँ को प्यारा, माता ने दुष्ट दलन संहारा, रोग शोक का करती नाश, ब्रह्मांड में है इनका वास, जो करते हैं कथा श्रवण उनसे माँ रहती है प्रसन्न, चौथे दिन करो इनका पाठ, सर पे रहेगा इनका हाथ। कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः, कुष्मांडा नमो नमः, माँ कुष्मांडा नमो नमः। भक्तों, माँ कुष्मांडा की आठ भुजाएं हैं, जिनमें से सात भुजाएं में वे कमंडल धनुष बाण कमल का फूल अमृत कलश चक्र और गदा धारण करती है, और आठवें हस्त में सर्व सिद्धि और सर्व निधि प्रदान करने वाली जप माला सुशोभित है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा को माल कुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है। देवी को लाल वस्त्र लाल पुष्प लाल चूड़ी भी अर्पित करना चाहिए। माता का यह रूप बौद्धिक विकास के लिए लाभदायक है। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्व साधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में चतुर्थ दिन इसका जाप करना चाहिए। कुष्मांडा माता का मंत्र है,
या देवी सर्वभूतेषु मा कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कुष्मांडा की जय। मा कुष्मांडा ऊर्जा स्वरूप तेज अलौकिक छवि अनूप, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, सारी सृष्टि है इनको ध्याता। माँ करती है शोक निवारण, माँ है तेज स्वरूप का कारण, चौथे दिन को माँ है आती, इनकी कृपा से बढ़ती ख्याति। चमेली फूल का करते अर्पण, भक्त करे सर्वस्व समर्पण। जय हो तेरी कुष्मांडा माता, तेरी महिमा सारा जग गा।